अच्छा रुको रुको रुको, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तुम्हारा टेस्ट है अभी, इसके लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं अपने आप को, पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, ताकि बाद में भी हम लोग रिवीजन कर सकें। एक बार अभी पढ़ेंगे और बाद में जब भी तुमको रिवीजन करना तुम कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? माई अर्ली होम। ठीक है, ये अर्ली होम किसका बात कर रहा है? तुम्हारा बात हो रहा है? नहीं। श्रेष्ठ का अर्ली होम का बात हो रहा है? नहीं। तो किसका अर्ली होम है? हॉर्स का बात हो रहा है। यू आर श्योर अबाउट इट? तो हॉर्स का भी घर था एक अर्ली होम। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि डू यू थिंक एनिमल्स हैव फीलिंग्स? तुम्हारे अंदर में फीलिंग है? कोई अगर तुमको मारता है तो तुमको दुख होता है, दर्द होता है? जब मम्मी पापा तुमको गिफ्ट नहीं दिलाता तो तुमको तकलीफ होता है? तो ये सब का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर में फीलिंग्स है। जब तुम अच्छा मार्क्स लेकर आते हो तो अच्छा फील होता है? जब तुम क्रिकेट में छक्का मारते हो तो अच्छा मज़ा आता है? इसका मतलब है पापा, मज़ा इज लाइक अ फीलिंग। फीलिंग जो है, जो फील करते हैं ना हम लोग, वो जो मज़ा फील करते हैं, दुख फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, ठीक है, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ द फीलिंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है तो लाइफ है, लाइफ है तो इमोशंस है, इमोशंस है तो फीलिंग्स है। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक एनिमल्स नीड टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी? डिस्कस। तो एनिमल्स को भी हेल्दी एंड हैप्पी होना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? वेरी गुड, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग। वेरी गुड, गुड आंसर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ हैंडसम ब्लैक हॉर्स नेम्ड ब्लैक ब्यूटी। परफेक्ट। सो ये स्टोरी है, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी हु टेल्स अबाउट हिज जर्नी एज ही इज सोल्ड फ्रॉम वन मास्टर टू अनदर। जर्नी मतलब क्या होता है? He tells about his journey. Journey का मतलब क्या होता है? जैसे तुम सुबह सुबह स्कूल जाते हो, तुम होम से स्कूल तक जाते हो, इतना दूर, हाँ बहुत दूर है, गाड़ी में जाते हो, तो जो यहाँ से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड जर्नी। तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जर्नी फ्रॉम श्रेष्ठ चाइल्डहुड टू श्रेष्ठ मैरिज, हो सकता है क्या? तुम्हारा शादी होगा बाद में, अभी तुम यहाँ पर हो, जब तुम पैदा हुए थे तुम यहाँ पर हो, अभी तुम यहाँ पर हो, ठीक है, धीरे 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 तुम और बड़े होगे, फिर कॉलेज जाओगे, फिर धीरे 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 और काम करोगे, हो सकता है यहाँ तुम्हारा शादी हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द जर्नी। और ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? ये लाइन है टाइम का, टाइम 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 टाइम, टक 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 टक, श्रेष्ठ एकदम छोटा सा बच्चा, टक टक टक, श्रेष्ठ क्लास फाइव में, टक टक टक, श्रेष्ठ क्लास टेन में। तो ये रेड लाइन क्या है? टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम हमेशा फ्लो करते रहता है, टाइम रुकता है क्या कभी भी? टाइम रुकता नहीं। और टाइम के साथ साथ क्या होता है? इंसान बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जर्नी है, तो जर्नी में हमेशा टाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो ये किसका जर्नी है? ब्लैक ब्यूटी का। ब्लैक ब्यूटी एक हॉर्स है, उसका जर्नी है। ठीक है, एज ही इज सोल्ड फ्रॉम वन मास्टर टू अनदर, द हॉर्स शेयर्स हिज फीलिंग्स अबाउट द वेज इन विच ह्यूमन ट्रीट हिम। तो हॉर्स क्या बताना चाह रहा है ये बताओ उनको, ह्यूमन्स। तो ऐसा क्यों कि ह्यूमन्स क्यों लिखा हुआ है? वाई ह्यूमन्स? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, तुम सुपर इंटेलिजेंट, पता है। वन मास्टर टू अनदर मतलब मोर देन वन। ठीक है, तो ये प्लूरल है। तो इस हॉर्स के पास कितना मास्टर रहता है? एक से ज्यादा। ठीक है, ही सोल्ड फ्रॉम वन मास्टर टू अनदर, तो ठीक है, इसलिए तो वन मास्टर टू अनदर, तो ये वन टू अनदर, अनदर टू वन, मतलब कुछ भी हो सकता है, मोर देन टू भी हो सकता है ये। ठीक है, द हॉर्स शेयर्स हिज फीलिंग्स अबाउट द वेज इन विच ह्यूमंस ट्रीट हिम। अब देखो, कोई ज़रूरी है कि सारा ह्यूमंस उसको अच्छा ही ट्रीट करेगा?
कोई एक अच्छा कर सकता, कोई खराब भी कर सकता, कोई बहुत अच्छा भी कर सकता, करेक्ट? सो रीड दिस स्टोरी व्हेन ही रिकॉल्स. रिकॉल्स का मतलब क्या है? रिकॉल्स का मतलब क्या है? रीड दिस स्टोरी व्हेन ही एंड हु इज द हियर? हाँ, वेरी गुड. रिकॉल्स का मतलब क्या है? रिकॉल्स, वो सोच रहा है. रिकॉल मतलब जब, जैसे हम तुमको बोलते हैं याद करके बताओ, सोच के बताओ कल क्या हुआ था, तो तुम अपने दिमाग में रिकॉल करते हो. कॉल मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना. पहले का जो चीज जो है उस याद को तुम वापस से बुला रहे हो, रिकॉल कर रहे हो. ठीक है, परफेक्ट. सो ये कौन रिकॉल कर रहा है यहाँ पर? ब्लैक ब्यूटी. अब वो जब रिकॉल करता है तो क्या रिकॉल कर रहा है? नहीं नहीं, वो रिकॉल्स करता है लिविंग हैप्पीली, लिविंग हैप्पीली इन अ प्लेजेंट मेडो. लिविंग हैप्पीली इन अ प्लेजेंट मेडो, तो इसका मतलब इसका जो स्टोरी है प्लेजेंट मेडो वाला स्टोरी है, जहाँ वो खुशी खुशी लिविंग हैप्पीली, जहाँ वो खुशी खुशी रहता था. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक एकदम? अब उसका स्टोरी स्टार्ट करें. The first place that I can well remember, who is that I? Very good. Was a large pleasant meadow. Large pleasant meadow बता रहा है. कैसा था meadow उसका? बड़ा सा. Meadow मतलब क्या है? Meadow मतलब क्या है? Meadow मतलब a field covered with grass. ठीक है, तो horse था large meadow. देखो ये एकदम पूरा meadow का picture है, large है ना एकदम. ठीक है, तो इसमें से ब्लैक ब्यूटी कौन है? ठीक है, तुम्हारा गार्डन इससे भी बड़ा है, बट ये ब्लैक ब्यूटी, इसका स्टोरी हो रहा है. ठीक है, सो द फर्स्ट प्लेस आई रिमेम्बर इज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो विथ अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट. तो मेडो के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉन्ड, पॉन्ड मतलब छोटा सा तालाब. ठीक है, और उसमें जो तालाब में पानी कैसा था? क्लियर वाटर था एकदम. ठीक है, सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट. लीन मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक इंसान सीधा खड़ा होता है और कोई टेढ़ा ऐसे लीन होता झुक के, तो लीन किसके ऊपर था? पॉन्ड के ऊपर. इसका मतलब अगर एक पॉन्ड ऐसे है तो बगल में कोई ट्री उस पॉन्ड के ऊपर ऐसे समझ लो लीन कर रहा है. हम ड्राइंग ठीक से नहीं बना पा रहा है, बट पॉइंट के बगल में ट्री था, इसका ये मतलब ये है. ठीक है, ओके, ये पॉइंट है, इसके बगल में ट्री है. शेडी ट्री मतलब क्या? जब बहुत सारा बड़ा ट्री होता है, लीफ बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे लीफ से शेड्स मिलता है. ठीक है, क्लियर. सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट एंड रशेज एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड. ठीक है, तो वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड, तो डीप एंड में क्या था? हाँ, लिलीज ग्रू करता था, वाटर लिलीज. तो पॉन्ड में वाटर लिलीज था, लार्ज प्लेजेंट मेडो था. ये पिक्चर क्रिएट कर रहा दिमाग में. ठीक है, ओके. एट द टॉप ऑफ द मेडो वॉज अ ग्रूव ऑफ फर ट्रीज. मेडो क्या होता ना, अप डाउन होता है. ठीक है, एट द टॉप ऑफ द मेडो, ये समझ लो एकदम ये बॉटम है, ये टॉप है, तो टॉप में कौन सा ट्रीज था? फर ट्रीज. ठीक है, एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रुक. ब्रुक मतलब वो छोटा सा पानी का रनिंग ब्रुक. तो ये टॉप है तो ये बॉटम है, तो बॉटम में क्या है? रनिंग ब्रुक मतलब जहां पर पानी फ्लो कर रहा है. रनिंग ब्रुक मतलब वाटर इज फ्लोइंग. Overhung by a steep bank. Steep bank का मतलब, that's a wonderful thing. Steep मतलब क्या होता पता है? आपने जब भी तुम पढ़ाई करोगे और तुमको कोई मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो गूगल करोगे. देखो स्टीप का मतलब क्या दिया हुआ है, पढ़ो. Of a slope, flight of stairs or angle. Rising or falling sharply, almost perpendicular.
ठीक है, नहीं समझ में आया तुमको कोई बात नहीं। स्टीप मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ एंगल में होता है, जैसे सीढ़ी ऐसे, या स्लोप, द स्लोप इज स्टीप, ठीक है, स्टीप। कोई ऐसे भी हो सकता है, इसको भी स्टीप बोलते हैं, ऐसे भी है, इसको भी स्टीप बोलते हैं, ठीक है। अब तुम आगे आगे ध्यान दो। व्हाइल आई वॉज यंग आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, किसका बात हो रही है? व्हाइल आई वॉज यंग ब्लैक ब्यूटी, एज आई कुड नॉट ईट ग्रास, तो छोटा बच्चा जो था, छोटा हॉर्स जब बाबू हॉर्स था, तो वो मदर्स का मिल्क पे जीता था, ठीक है, ओके। इन द डे टाइम आई रैन बाई हर साइड, हर साइड मदर, एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाई हर, दिन में दौड़ती थी ब्लैक ब्यूटी और रात को अपनी मम्मी के पास जाके, अच्छा लड़का है, ठीक है, तो ब्लैक ब्यूटी दिन में दौड़ता था अपना मम्मी के पास में और रात को अपनी मम्मी के पास जाके सो जाता था, ठीक है। एज सून एज आई वॉज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास माई मदर यूज टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम, जब वो बड़ा हुआ ग्रास खाने लायक तो उसका मम्मी काम पे निकल जाता था, ठीक है, एंड कम बैक इन द इवनिंग, क्लियर। देर वर सिक्स यंग कोल्ट्स, यंग कोल्ट्स मतलब हॉर्स का बच्चा को कोल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, इन द मेडो बिसाइड मी, बिसाइड मी मतलब उसके आस पास और कौन थे? यंग मेल हॉर्सेस, ठीक है। सो कितने कोल्ट्स थे? देर वर सिक्स यंग कोल्ट्स इन द मेडो बिसाइड मी, दे वर ओल्डर देन आई वॉज, तो ब्लैक ब्यूटी से सब बड़ा था। आई यूज टू रन विद देम, तो ये छोटा होके भी अपने बड़े हॉर्स के साथ साथ भागता था, एंड हैड ग्रेट फन, वी यूज टू गैलप ऑल टूगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, ठीक है। बस हॉर्स लोग का काम था दौड़ने का, सारा दिन लोग आपस में जैसे बच्चा लोग मस्ती नहीं करता, तुम लोग अब देखो ये लोग बस राउंड एंड राउंड दौड़ रहा है, ठीक है। एज कितना दौड़ता था? एज हार्ड एज वी कुड गो, जितना इन लोग में ताकत था दौड़ते रहता था। समटाइम्स वी हैड रादर रफ प्ले फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज गैलप, ठीक है। तो मेल्स लोग का थोड़ा सा आदत होता ना मारा पीटी का, तुम लोग भी थोड़ा बहुत मारा पीटी करते हो, तो एज रफ हो जाता वो, रफ प्ले हो गया वो, प्ले है, कोई सीरियस झगड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज गैलप, तो एक दूसरे ऐसे से, ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या कर रहे हैं लोग? दौड़ भी रहा है, बाइट भी कर रहा है, किक भी कर रहा है, और खेल भी रहा है, गैलप भी कर रहा है, क्लियर। अब एक दिन का कहानी, एक दिन का कहानी क्या होता है? वन डे व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग, एक दिन बहुत लोगों का आपस में लात मारना मुरनी चल रहा था, ठीक है। माय मदर विनीड टू मी टू कम टू हर एंड देन शी सेड, विनीड टू मी मतलब क्या है बोलो? नेड, जो हॉर्स लोग का आवाज होता है, हाँ, मेड अ सॉफ्ट हाई साउंड ऑफ हॉर्स, ठीक है, ऑफ अ हॉर्स, ठीक है बाबा, टू कम टू हर, तो उसका मतलब क्या, ब्लैक ब्यूटी को अपने पास बुला रही थी, ठीक है। आई विश, विश मतलब मम्मी का इच्छा है, ठीक है। आई विश यू टू पे अटेंशन टू वॉट आई एम गोइंग टू से टू यू, जैसे मम्मी लोग नहीं बोलते अपने बच्चों को, सुनो ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। द कोल्ट्स हु लिव हियर आर वेरी गुड कोल्ट्स बट दे आर कार्ट हॉर्स कोल्ट्स, कार्ट हॉर्स कोल्ट्स मतलब
जो जो कार्ट को चलाएगा, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्नड मैनर्स, ठीक है. जैसे सब मम्मी लोग बोलते हैं ना, मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में जाता है, मैं अपने बच्चे को बहुत गुड मैनर्स सिखा रही हूँ, वो बच्चा के पास मैनर्स नहीं है, ऐसा होता है ना, मम्मी लोग बोलती है. इसकी मम्मी क्या बोल रही है, दे आर कार्ट हॉर्सेस, मतलब बड़ा होके इन लोग क्या करेगा. अरे बाबा, जैसे आज एक तुम बेबी है तो तुम्हारे मम्मी बोलता, सुनो बेटा तुम बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, ठीक है. फिर बोलता वो लोग जो है ना, उन लोग सब का सब क्रिकेटर बनेगा, ठीक है. तो कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा. तुमको अगर क्रिकेटर बनना है तो तुमको बहुत अच्छा से हेल्थ का ध्यान रखना है. तो मम्मी लोग नहीं बोलती कैसे, तो इसीलिए उसकी मम्मी बोले दे आर कार्ट हॉर्स कोल्ट्स, ठीक है. कार्ट हॉर्स कोल्ट्स, अभी कोल्ट्स मतलब यंग हॉर्सेस, ठीक है, यंग मेल हॉर्सेस. बट जब भी लोग बड़ा भी होगा तो ये लोग क्या करेगा, बड़ा होके कार्ट चलाएगा, कार्ट, ठीक है. बट तुम क्या चाहते हो, तुमको हम आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड. तो अपनी मम्मी, उसकी मम्मी क्या बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम जेंटल एंड गुड बनो एंड नेवर लर्न बैड वेज, ठीक. डू योर वर्क विथ अ गुड विल, लिफ्ट अप योर फीट वेल व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन अ प्ले. इसका मतलब उसकी मम्मी क्या बोलना, इवन इन प्ले, ठीक है. इसका मतलब क्या, इसकी मम्मी खुश नहीं थी, ये किकिंग बाइटिंग वॉज नॉट गुड मैनर्स, ठीक है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वॉट वॉज गुड मैनर्स अकॉर्डिंग टू हर मदर, या वॉट डज ब्लैक ब्यूटी मदर टेल, वॉट डिड ब्लैक ब्यूटी मदर टेल हिम, यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, ठीक है, एंड नेवर लर्न बैड वेज, डू योर वर्क विद गुड विल, लिफ्ट योर ठीक है. तो ये लाइन तुमको याद करना होगा, ठीक है. तो सबसे पहले इसकी मम्मी क्या बोलती है, जेंटल, ठीक है, जेंटल एंड गुड, पॉइंट नंबर वन. फिर नेवर लर्न बैड वेज, नेवर लर्न, फिर डू योर वर्क विथ अ गुड विल, ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री. फिर लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट, पॉइंट नंबर फोर. एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले. तो पांच चीज बोलती है इसकी मम्मी, याद रहेगा तुमको. बैठो 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 बैठो. तो पांच एडवाइस था ये इसकी मम्मी का. जैसे मम्मी एडवाइस देती है तो मम्मी इसकी पांच एडवाइस दी है, ठीक है. आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस. तो ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, वॉट वॉज द ब्लैक ब्यूटीज, वॉट वॉज ब्लैक ब्यूटीज मदर्स एडवाइस टू ब्लैक ब्यूटी. ये डू योर वर्क विद गुड विल, लिफ्ट अप योर फीट वेल व्हेन यू ट्रॉट. आई विल नेवर फॉरगेट, आई न्यू शी वॉज वाइज ओल्ड हॉर्स. मम्मी उसकी ओल्ड हॉर्स थी, वाइज थी. एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, ठीक है. हर नेम वॉज डचेस बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट, ठीक है, याद रहेगा. ये क्या था ब्लैक ब्यूटी के मदर का नाम, बट उसका मास्टर क्या बोलता था उसको, पेट. आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन, He gave us food, good lodging, good food, good lodging and kind words. ठीक है, lodging मतलब रहने का जगह. He spoke as kindly to us as he did to his little children. जैसे अपने बच्चा लोग से एकदम अच्छा से बात करता था, वैसे हम लोग से भी अच्छा से बात करता था. We were all fond of him and my mother loved him very much. When she saw him at the gate,
शी वुड ने विद जॉय. ठीक है, तो मतलब मम्मी भी इसको देख के बहुत खुश हो जाती थी. एंड ट्रॉट अप टू हिम, ट्रॉट अप टू हिम मतलब घोड़ा लोग का चाल को ट्रॉट बोलता है, जैसे तुम वॉक करेगा वो ट्रॉट करेगा. ठीक है, ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, क्या बोलता था बोलो, रीड करो. वेल वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज योर लिटिल डार्की. लिटिल डार्की कौन है यहाँ पर? वेरी गुड. आई वॉज डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की एंड देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड विच वॉज वेरी गुड एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर. ठीक है, तो उसका मास्टर क्या ले, उसको क्या देता था ब्लैक ब्यूटी को? ब्रेड. और उसकी मम्मी को क्या देता था? कैरेट. ठीक है, तो याद रहेगा ये चीज़, क्या भूल जाओगे? कैरेट एंड ब्रेड. ठीक है, नेक्स्ट. देर वॉज अ फार्म बॉय नेम डिक, हु समटाइम्स केम इनटू अ फील्ड टू प्लक ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज. डिक क्या करने आता था? व्हेन ही हैड ईटन ऑल ही वांटेड, he would have what he called fun with the colts, throwing stones and sticks at them to make them gallop. तो वो क्या करता था? पत्थर वत्थर फेंकता था. we did not much mind him, हम लोग कितना बुरा नहीं मानते थे. ठीक है, for we could gallop off, but sometimes a stone would hit and hurt us, कभी कभी पत्थर से हम लोगों को लग जाता था. One day he was at his game, at this game. कौन ही, who is he? Dick. ठीक है, Dick. हाँ, Dick का game क्या था? पत्थर फेंकना और sticks फेंकना, उसके लिए game था. ठीक है, and did not know that master was in the next field, but he was there. सुन रहा है? Watching what was going on, over the hedge he jumped in a snap. एंड कैचिंग डिक बाई द आर्म, ऐसे डिक को पकड़ लिया. ए डिक. ठीक है, ही गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द ईयर्स, डिशुम ऐसे. ठीक है, एंड मेड हिम रोर विथ पेन एंड सरप्राइज. सरप्राइज क्यों था? क्योंकि डिक को मालूम नहीं था कि उसका मालिक है वहां पर. ठीक है, एज सून एज वी सॉ द मास्टर वी ट्रॉटेड अप नियरर टू सी वॉट वेंट ऑन. तो ये लोग भी फटाफट अपना मास्टर के पास गया. बैड बॉय ही सेड, बैड बॉय टू चेज द कोल्ट्स. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम नॉर द सेकंड, बट इट शैल बी द लास्ट. देयर टेक योर मनी एंड गो होम, I shall not want you on my farm again. So we never saw Dick anymore. Old Danny, the man. Old Daniel. ठीक है. Old Daniel, the man who looked after the horses, was just as gentle as our master. So we were well off. ठीक है.